नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको एक स्टीरियो आईसी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका सर्किट डायग्राम मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं और जिसके नंबर है ST-K 459। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। दोस्तों, इसी आईसी का काफ़ी लोगों को पता नहीं है और जब भी ये आईसी का बोर्ड या एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो हमें वायरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं इसको आपको पूरा सर्किट डायग्राम इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका ये मेन ट्रांसफार्मर है जिसे AC वोल्ट दी गई है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जिस पर 20 वोल्ट सप्लाई आउट हो रही है, 20 0 20। और ये यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये सप्लाई जा रही है, पॉजिटिव सप्लाई। तो चलिए, यहाँ पर जा रही है ये रेड वाली लाइन, यहाँ से इसकी देखिए 9 नंबर पिन इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें ट्रांसफार्मर के 3 वायर आप देख रहे हैं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर में पॉजिटिव, इसमें इस आईसी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट माइनस, मतलब 15 वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज और 15 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज, और ग्राउंड इसका अलग से है। ग्राउंड का ये बीच वाला वायर आप देख रहे हैं, ये पीली जो येलो में ये लाइन दिखाई दे रही है, ये इसकी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। तो पॉजिटिव 15 वोल्ट सप्लाई यहाँ से जा रही है, तो ये 15 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ पर 9 नंबर पिन पे जा रही है, और नेगेटिव 15 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई यहाँ से जा रही है, ये लाइन ये देखिए, ये यहाँ पर जा रही है 5 नंबर पिन पर, ठीक है। और इसकी आईसी की देखिए आप, फर्स्ट नंबर पिन जो ये है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आ रही है और ये वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले पॉइंट पे जा रही है, ये देखिए यहाँ से 1 नंबर पिन इसकी इनपुट पिन है, और दूसरा जो एक चैनल के लिए है जिस पे वॉल्यूम लगा हुआ है 100K का, और दूसरे चैनल के लिए 16 नंबर पिन, ये ST-K 459 जो आईसी है, ये स्टीरियो आईसी है, और इस आईसी में 2 ही इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट। तो दूसरा चैनल के लिए ये 16 नंबर पिन से एक वायर जा रहा है, तो ये वॉल्यूम के सेंट्रल पॉइंट पे जा रहा है यहाँ पर, ये लेफ्ट चैनल के लिए और ये वाला राइट चैनल के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये जा रही है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट वाली 16 नंबर पिन, ये दोनों इनपुट पिन है इसकी, और आउटपुट पिन आप देख रहे हैं ये वाला जो यहाँ पे स्पीकर दिखाई दे रहा है, तो ये है, तो ये इसकी 6 और 7 नंबर पिन आउटपुट पिन है इसकी, दोनों एक ही है। एक स्पीकर के लिए, लेफ्ट स्पीकर के लिए ये है, और राइट के लिए यहाँ से जा रही है 10 और 11 नंबर पिन, दोनों ये एक दूसरे से कनेक्ट है, 10 और 11 नंबर एक ही है, ये यहाँ से अलग अलग आ रही है लाइन, यहाँ पर एक हो जाती है, देखिए तो 10 नंबर और 11 नंबर इसकी स्पीकर की आउटपुट पिन है,
ये स्पीकर यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ है 3 एम्पीयर का। तो दोस्तों ये 150 वाट इसकी आउटपुट है और 150 वाट इसकी आउटपुट है। बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है ये, मतलब 300 वाट इसकी आउटपुट है। और आउटपुट का अंदाज़ आप स्पीकर पर लगे फ्यूज़ को देखकर ही लगा सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। तो इसकी फर्स्ट नंबर और 16 नंबर, ये नंबर तो इनपुट पिने हैं जो वॉल्यूम के सेंटर पॉइंट पे जाती है, और ये स्पीकर के लिए 6, 7 और 10, 11 नंबर पिन, ये दोनों पिने लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए। और नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे दी गई है, पॉजिटिव सप्लाई 9 नंबर पिन पे और नेगेटिव सप्लाई 5 नंबर पिन पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका इनपुट आउटपुट यही है। और यहाँ पर ये इसका बेस टेबल दिया हुआ है, बेस टेबल के लिए या ट्रेबल कंट्रोल, दोनों चैनल्स के अलग अलग ट्रेबल कंट्रोल हैं, और ये इधर वॉइस कंट्रोल, ये और ये दोनों कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 8 to 8 C8 to 8। तो दोस्तों ये 9 वोल्ट सप्लाई को रेगुलेट करके जो ये बाइस टेबल का बोर्ड है, सर्किट है, इसको रेगुलेट सप्लाई दी जा रही है। तो देखिए ये है इसका सर्किट डायग्राम। तो 15 वोल्ट पॉजिटिव और 15 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई से ये काम करता है। जो ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर होते हैं उसी तरह ये आईसी का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हेड के लिए सर्किट दिया हुआ है जो कि आजकल काम नहीं आ रहा, इसके लिए यहाँ पर ब्लूटूथ का यूज किया जाने लगा है। यहाँ पर दिया हुआ हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर स्विच, इस वॉल्यूम कंट्रोल से लिया हुआ है सिग्नल इसका ऑडियो। तो यही इसका सर्किट डायग्राम है, बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है और स्टीरियो एम्पलीफायर है। तो इसकी वायरिंग अब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस आईसी की पिन डिटेल का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।